दिल्ली तो अमृतसर ते कटड़ा दे विचकार एक नवा एक्सप्रेस वे बन जा रहा है जिस दी लागत आवेगी 37,500 करोड़ रुपए। ये एक्सप्रेस वे टोटल 670 किलोमीटर लंबा होगा ते पंजाब ते जम्मू कश्मीर दा ये पहला एक्सप्रेस वे होगा। ये एक्सप्रेस वे बन तो बाद दिल्ली तो अमृतसर का सफर सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा जिस दे विच हुण 8 तो 10 घंटे लगते ने। दिल्ली तो कटड़ा का सफर सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा जिस दे विच हुण 12 घंटे के तकरीबन लगते ने। नॉर्थ इंडिया दे विच इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे लई एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है। पंजाब ते हरियाणा इंडिया दे दो सब तो ज्यादा खेती उत्पादन करने वाले राज हन। इंडिया दी अद्धी तो ज्यादा कणक पंजाब ते हरियाणा दे विच ही पैदा कीती जांदी है। खेतीबाड़ी तो अलावा पंजाब दे विच होर भी कई इंडस्ट्रियां मौजूद ने जिवें कि लुधियाने नूं जाणिया जांदा है कपड़े साइकिल अते सिलाई मशीन दे लई, जलंधर नूं स्पोर्ट्स दे लई जाणिया जांदा है ते अमृतसर साहिब मशहूर है इत्थों दे खाण पीण वालीआं चीजां ते टैक्सटाइल दे लई। हरियाणा दी इकोनमी विच भी आटोमोबाइल्स दे नाल नाल इत्थों दे गड़गांव आईटी सैक्टर दा भी काफी वड्डा योगदान है ते जम्मू कश्मीर टूरिज्म दा सब तो वड्डा सैक्टर है। अज इंडिया दे विच जिन्ना भी टोटल कार्गो हुंदा है उसका सिर्फ 30% हिस्सा ही रेलां दे द्वारा इधर उधर भेजा जाता है। जिथे हुण इंडिया दे विच रेलां दीआं नवीआं लाइनां बिछाईआं जा रहीआं ने उत्थे नवे एक्सप्रेस वे नूं भी अपग्रेड किया जा रहा है तां कि इंडिया दे विच कार्गो दे नाल नाल टूरिज्म भी होर वधे फुले। यही कारण करके एक नवा एक्सप्रेस वे बनाउण दी जरूरत पई दिल्ली तों अमृतसर ते कटड़ा दे लई। हुण भी इंडिया दे विच 3300 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे चल रहे ने पर इन्हां दे विचों कोई भी एक्सप्रेस वे दिल्ली नूं पंजाब ते जम्मू कश्मीर दे नाल नहीं जोड़दा। इह अजिहा पहला एक्सप्रेस वे होवेगा जिहड़ा दिल्ली नूं पंजाब ते कटड़ा दे नाल जोड़ेगा। हुण दिल्ली तों कटड़ा तक दा जिहड़ा रोड है उस नूं NH44 जाने के नैशनल हाईवे 44 कहा जांदा है। इह देश दे सब तों वड्डे ते सब तों बिजी हाईवे दे विचों हुण इक है। पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर इह रोड इह सारे वड्डे शहरां दे विच दी होके निकलदा है। इस तों बिना इह चंडीगढ़ ते शिमला नूं भी कनैक्ट करदा है ते जिवें जिवें ट्रैफिक वध रिहा है उस तरां ही इह हाईवे अपनी कैपेसिटी दे नालों किते ज्यादा ट्रैफिक अपने उपर सह रहा है ते ट्रैफिक वधन दे कारण पिछले कई सालां तों इस हाईवे दे उपर जाम अते एक्सीडेंट दे विच बहुत ज्यादा वाधा होया है। इन्ने ज्यादा एक्सीडेंट होण दे कारण इस हाईवे दा नाम हुण इंडिया दे सब तों खतरनाक हाईवे दे विच आउण लगा है। वैसे तां इस हाईवे नूं भी अपग्रेड कीता गया सी NHAI वल्लों सन 2000 दे विच। इस हाईवे नूं उहनां ने 6 लेन दा बना दित्ता सी ते उस तों बिना इस दे उपर दी ब्रिज अते बाईपास भी कढ दित्ते सन पर हुण इह स्थिति है कि हुण इह हाईवे इस तों होर ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकदा क्योंकि इह हाईवे दे दोन्ने पासे बहुत ज्यादा वेल्डिंगां बन चुकियां ने ते इन्हां वेल्डिंगां नूं ढा के जगह रिकवर करनी बहुत ज्यादा महंगा काम है नवा हाईवे बनाउण नालों भी। वैसे तां इस दे दिल्ली तों पानीपत वाले रास्ते नूं एक्सपेंड करके 8 लेन तक दा बना दित्ता गया है पर पानीपत तों अगे इह हाईवे नूं 8 लेन दा बनाउणा काफी ज्यादा मुश्किल है। इस करके इह नवा एक्सप्रेस वे बनाउण दी जरूरत पई जिहड़ा कि ज्यादा डायरेक्ट भी होवेगा। इस दे नाल लोकां दा काफी ज्यादा समां बचेगा ट्रैवल करदे समय। इस एक्सप्रेस वे दे उपर किसी भी तरह दा कोई भी सिग्नल नहीं होवेगा ते इह सारियां सिटियां नूं बाईपास करेगा ते इस एक्सप्रेस वे दे बण दे नाल NH44 दे उपर एक्सीडेंट दा खतरा भी बहुत ज्यादा घट जाएगा क्योंकि उस दे उपर ट्रैफिक काफी ज्यादा घट जाएगा ते इह एक्सप्रेस वे बण दे नाल हरियाणा ते पंजाब दी इकोनमी दे उपर भी असर पवेगा, उत्थों दी इकोनमी भी वधेगी। इन्हां सारियां चीजां नूं ध्यान दे विच रखदे होए NHAI ने दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेस वे नूं मंजूरी दे दित्ती है। साल 2020 दे विच इस दे लई जमीन अक्वायर करन दा काम शुरू होया ते सन 2022 दे विच इस दी कंस्ट्रक्शन दा काम भी चल पिया है। स्टार्टिंग दे विच इस नूं 3 तों 4 लेन दा बनाया जा रहा है पर फ्यूचर दे विच इस नूं वधा के 8 लेन तक भी कीता जा सकदा है। इह एक्सप्रेस वे दिल्ली दे नॉर्थ वेस्ट तों शुरू होवेगा ते रोहतक दे नॉर्थ तों हुंदा होया अगे जावेगा ते उत्थे जा के नेशनल हाईवे NH7 दे नाल लिंक होवेगा। इस तों अगे जींद सोनीपत एक्सप्रेस वे दे नाल भी कनैक्ट होवेगा। उस तों थोड़ा जिहा अगे जा के कैथल दे कोल NH152 हाईवे नाल कनैक्ट हुंदा होया पंजाब दे विच दाखल हो जावेगा ते फिर इह संगरूर दे विच भी हुंदा होया NH7 दे नाल कनैक्ट होवेगा ते फिर इह लुधियाणा शहर दे 16 किलोमीटर साइड तों दी निकल जावेगा। लुधियाणा क्रॉस करके अगे सतलुज दरिया नूं पार करके नकोदर दे कोल जाके दो हिस्सों के वंडिया जाएगा। मेन रूट इसका सीधा कॉन्टीन्यू चलेगा कटड़ा तक ते इसका दूजा रूट जलंधर के कोल 3 हाईवे दे नाल कनैक्ट करेगा ते इसकी ब्रांच कपूरथला दे साउथ तो होके जाएगी ते इस तो अगे अमृतसर के आले दुआले घूमदा होया एयरपोर्ट के कोल जाके खत्म होने तो पहला 3 हाईवे दे नाल फिर तो कनैक्ट होगा। इसका मेन रूट सीधा जाएगा इतों गुरदासपुर तक ते अगे जाके NH53 दे विच रलेगा ते फिर इसका पठानकोट ते कठुआ के दुआले बाईपास बनेगा ते इतों ही रावी नदी नूं क्रॉस करके जम्मू कश्मीर दे विच एंटर हो जाएगा ते अगे जाके NH44 दे विच इह मर्ज हो जाएगा। जम्मू तक ते जम्मू तों कटड़ा तक दा इसका रास्ता हजे फाइनल नहीं होया। इस दे सही रूट दा हजे तक किसी नूं भी नहीं पता जबकि इह गल जरूर है कि इह पूरा एक्सप्रेस वे 670 किलोमीटर लंबा होगा। इह दो स्टेटां ते इक यूनियन टेरेटरी नूं दिल्ली दे नाल जुड़ेगा। इह एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर हरियाणा दे विचों दी लंघेगा, 408 किलोमीटर पंजाब दे विच दी ते 127 किलोमीटर जम्मू अते कश्मीर दे विच लई लंघेगा। दिल्ली तों गुरदासपुर तक इह रोड नूं नैशनल हाईवे 5 दा नाम दित्ता जाएगा। नकोदर तों अमृतसर तक इस दी ब्रांच 99 किलोमीटर लंबी होगी।
ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 5A ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਐਨਐਚਆਈਐਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ 90 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਇੰਟਰਚੇਂਜਸ 14 ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੁਲ 11 ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 60% ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 1257 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ